my all friends and good evening to all of you. And कैसे हैं आप सब? एंड आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ यार. ज़ोर की बारिश हो रही है, सो अगर वॉइस अगर मेरी धीरे आई तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना. एंड अभी मैं किचन में हूँ, सो मैंने सोचा कि आज मैं क्या बना रही हूँ वो रेसिपी आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँ. सो मैंने सोचा है यार कि मैं 3 बार व्लॉग डालूँ, सुबह, शाम एंड नाइट. सो एंजॉय कीजिए मेरे व्लॉग को. एंड सो कल की रेसिपी में बना था चिकन रोटी, एंड आज का जो रेसिपी है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. एंड आप लोग भी इंजॉय कीजिए आज का रेसिपी. सो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या बनाऊँ, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं. बन रहा है रोटी. ये मैंने काट लिया है प्याज, लहसुन, मिर्ची एंड ये है आलू, ये है सलाद. ये सब है आज के डिनर में. देखिए ऐसे काटा है मैंने आलू, ये है प्याज, ये है आटा जो कि मैंने गूंथा है. एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा देखने में. डाल देती हूँ इसे कप में, ये है कप, मैं इसे डाल रही हूँ, ये हो गया. एंड अब मैं अपने भाई को दे देती हूँ एंड देखकर जल्दी से आती हूँ वापस. एंड आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब इसके बाद मैं कौन सा काम करने वाली हूँ. ये रहा कॉफ़ी एंड मैं इसे डाल रही हूँ. देखिए कॉफ़ी मैंने डाल दिया. विदाउट शुगर पीने की आदत है उसे. सो कॉफ़ी मेरा बन रहा है. देखिए इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं, फिर उसके बाद उसे कॉफ़ी देंगे. अभी ये बॉईल हो रहा है. सो कॉफ़ी फाइनली बॉईल होने लगा. देखिए इतना प्यारा लग रहा है. सो हमारा कॉफ़ी बन के हो गया है तैयार. अब हम इसे बटन को कर देते हैं. ये बन गया कॉफ़ी. बनाने के लिए मैंने आधा जग पानी लिया है एंड मैं अभी उसे उस कप में, सॉरी पतीले में डालूँगी. और वो पतीला है ये रहा, इसमें ऑलरेडी पानी है. इसको मैं फेंक दूँगी और नाप से बनाऊँगी. सो ये पानी मैंने फेंक दिया और जो मैंने पानी नापा है एक जग वो मैं इसमें डाल रही हूँ. एंड कॉफ़ी बनाऊँगी अपने भाई के लिए. सो ये मैंने यहाँ रख दिया इंडक्शन में एंड मैंने बटन ऑन कर दिया. यहाँ से भी ये ऑन हो गया. देखिए सो अब मैं इसमें डालती हूँ कॉफ़ी डालूँगी. लोगों ने फाइनली देख लिया, मैंने आलू काटा है, प्याज काटा है, लहसुन, लाल मिर्च एंड आटा गूंथा है. एंड बस इतने सारे वैरायटी हैं आज के डिनर में. एंड अभी ज़ोरों की बारिश हो रही है एंड अभी मुझे मेरे भाई के लिए कॉफ़ी बनाना है. सो अभी मैं वही करने वाली हूँ एंड उसके बाद सब बनाना पड़ेगा यार. सो चलिए अब हम सब बनाते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आलू की सब्ज़ी कैसी बनती है एंड कैसे मैं बनाऊंगी उसे. ठीक है सो अभी मैं जल्दी से आती हूँ कॉफ़ी बना के. एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कैसे कॉफ़ी बनाते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ अपने भाई के लिए. सो चलिए देखते हैं. गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, देखिए अभी ये खाली है. अब हम इसमें डालेंगे ऑयल
पहले हल्का से इसे गरम होने देते हैं। जब ये गरम हो जाएगा तब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया है, देखिए हल्का सा डाला है लाइटली। एंड अब मैं इसमें डालती हूँ रेड चिली यानी कि लाल मिर्च एंड लहसुन। देखिए इसके साथ प्याज भी डाल देते हैं एंड इसको फ्राई करते हैं ब्राउन कलर में अच्छे से। देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, ब्राउन होते तक इसे मैं फ्राई करूँगी। अभी ये फ्राई नहीं हुआ है, जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए प्याज हमारा भुना चुका है यानी कि ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। देखिए एक सिंपल सी रेसिपी है ये आलू की, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, जो कि जल्दी में बन जाता है। तो अब मैं इसमें आलू डालती, ये रहा आलू, अब हम इसको डाल देते हैं। ये गए आलू डाल दिया मैंने, अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार हल्दी और नमक। ये डाला मैंने एक चम्मच हल्दी, अब इसे मिला लेंगे। एक जग पानी डालेंगे इसे पकने के लिए, हमने डाल दिया पानी। तो अब ये पकेगा, इसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल वाला लुक दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, आप लोगों ने फाइनली देख लिया, आलू अभी पक रहा है एंड रोटी जब बन जाएगा तो मैं आलू और रोटी की फाइनल वाली तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, यानी कि दिखा दूंगी कि उसका लुक कैसा है। सो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं एंड आगे की स्टोरी हम आपको दिखाएंगे सब बन जाने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। हमारी सिंपल सी आलू की सब्जी बनके हो गई है तैयार एंड इसका फाइनल वाला लुक आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। देखिए कितना टेस्टी एंड यम लग रहा है, मेरे पापा को ऐसे ही सिंपल वाला पसंद है, सो मैंने ऐसे ही बनाया है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा देखने में। आप लोगों ने फाइनली देख लिया आलू का लुक, देखिए एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड प्यारा बना है। सिंपल सी रेसिपी है, कोई कुछ मेहनत नहीं लगती इसको बनाने में एंड इजली बन जाता है। सो मैंने बना लिया एंड वैसे तो ये डिश पापा बनाने वाले थे बट वो बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए वो सो गए एंड मैंने बना दिया। एंड देखते हैं हमको खाने में कैसा लगता है, जो भी होगा मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। एंड देखिए यार, रोटी का तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज अभी मैंने उसका गोला बना के रखा हुआ है एंड बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहीं पे इसको एंड कर देती हूँ। वीडियो को ज़्यादा बड़ा बना के कोई मतलब नहीं। सो आई होप आप लोग यहीं तक ही इंजॉय कीजिए एंड जो भी स्टोरी होगी वो हम कल शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड रात के 8 बज चुके हैं, सो जल्दी से हम बनाते हैं एंड खाना भी जल्दी से है। सो
बहुत सारे काम है, वर्कआउट करना पड़ता है खा के, सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब बनाती हूँ। फिर उसके बाद हम खाने बैठ जाएंगे एंड फिर उसके बाद फ्री होंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। सो बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना मुझे एंड प्यार देना, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना एंड अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। सो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज कोई बात नहीं। सो इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करना चाहिए एंड बिकॉज मेरा टाइम हो रहा है जाने का। सो मैं अब चलती हूँ एंड हम मिलेंगे कल के मॉर्निंग व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय गाइस, अच्छे से रहना, अच्छे से सोना और अच्छे सपने देखना एंड गुड नाइट टू एवरीवन एंड बाय बाय, हम मिलेंगे कल। सो अभी के लिए बाय।